हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं पकौड़े वाली कढ़ी। कढ़ी सभी को बहुत पसंद होती है, तो यहाँ मैंने दही लिया। दही में हल्दी बेसन नमक डाल करके अच्छे से ये घोल तैयार कर लिया है पानी डालकर, और रई की सहायता से हमने अच्छे से मिला दिया जिससे गुठलियाँ ना पड़े। और ये पकौड़ों के लिए ये मैं इस तरीके से थोड़े बेसन में थोड़ा सा नमक डाल के और थोड़ा गाढ़ा घोल बना रही हूँ, क्योंकि पकौड़े बनेंगे। खूब अच्छे से फेंट लीजिए, आप जितना अच्छा फेंटेंगे उतना ही आपके सॉफ्ट पकौड़े बनेंगे। और ये मैं तड़के के लिए अनियन और गार्लिक चॉप कर रही हूँ। तो गार्लिक मैं साबुत ही डालती हूँ, क्योंकि मेरे फैमिली में बच्चे पसंद नहीं करते हैं तो वो साइड से इसको निकाल देते हैं अगर आ भी जाता है कढ़ी में तो। लेकिन क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है तड़के में, इसलिए मैं गार्लिक डालती हूँ। ये सूखी खड़ी मिर्च हैं, ये भी तड़के में बहुत अच्छा फ्लेवर देती हैं। साथ में हमने डाली है मेथी, हींग, जीरा और थोड़ी सी मैं राई डाल दूँगी, महीन वाली। ज़्यादा नहीं डालनी है, थोड़ी सी डालनी है। और कड़ी पत्ता ले लूँगी, तो कड़ी पत्ता मैं पीछे अपने आंगन से तोड़ लाई थी। यहाँ सरसों का तेल डाला है, क्योंकि पकौड़े बना रहे हैं इसलिए सरसों का तेल कुछ ज़्यादा ही लिया है। फिर सेम में थोड़ा सा जब ये कम रह जाएगा इसको तड़के में यूज कर लूँगी। तो पहले मैं पकौड़े बना रही हूँ, तो पकौड़ों के लिए तेल अच्छे से गर्म हो जाने दीजिए जिससे इसका कड़वापन कच्चापन निकल जाए। और यहाँ तब तक मैं इसको फेंट रही हूँ, और फिर उसके बाद में लास्ट में जैसी भी आपको सुविधा हो, आप छोटे छोटे पकौड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो बीच में आते हैं और अच्छे से सिक जाना चाहिए। क्रंची सिकेंगे तो वो अच्छे लगते हैं। कभी कभी क्या होता है कच्चे रह जाते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। जितने क्रंची आप सीखेंगे उतने। ये मैंने चावल रिफिल कर लिए हैं, चावलों को वॉश आउट करूँगी 3-4 बार, और उसके बाद में इन्हें सोक्ड करने के लिए मैं रख लूँगी। तो ये इंडिया गेट का बासमती राइस है, हम यही यूज करते हैं और अच्छा बनता है। तो बस इसे सोक्ड करने के लिए रख दीजिए तो अच्छा रिजल्ट मिलता है चावलों का। यहाँ मैंने पकौड़े तोड़ दिए हैं छोटे छोटे साइज के। ये मेरा तड़के के लिए सारा सामान तैयार था। यहाँ हींग, मेथी, जीरा, राई डाल दी, और साथ में मैं डालूँगी अब प्याज, लहसुन, कड़ी पत्ता, सूखी लाल मिर्च, खड़ी लाल मिर्च। इस तरीके से ये डाल के मैंने कर लिया। लास्ट में जब ये अच्छे से थोड़ा सा भुन जाएगा उसके बाद डालूँगी मैं सूखा धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप घर के मसाले ही यूज करिए, क्योंकि आजकल पैकेट वाले मसालों के लिए काफ़ी चल रहा है कि उसमें भी कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट मिले हुए होते हैं जो कि फ्यूचर में आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो यहाँ ये घोल को मैंने इस तड़के में डाल दिया, बस लगातार चलाते रहिए वरना कढ़ी पक जाएगी। जब एक उबाल आने लगे तो आप इस पकौड़ों को डाल दीजिए। आधे घंटे पौन घंटे तो कढ़ी को जरूर चलाइए। चावल बन गए मेरे, फिर मैंने ये सर्व की मेरी थाली। होप आपको मेरी थाली पसंद आई होगी।